हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वज्ञान संपन्न। और आज मैं आपके लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ इंटेक्स ब्रांड के 4.1 मल्टीमीडिया कंप्यूटर स्पीकर्स, जिसका मॉडल नेम है जेज। ये एक 4.1 स्पीकर है और इसमें सारे फंक्शंस अवेलेबल है। यूएसबी प्लेबिलिटी है, पेन ड्राइव लगा सकते हो आप, एसडी प्लेबिलिटी है, मेमोरी कार्ड्स डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, एफएम रेडियो है, ब्लूटूथ है, रिमोट है, तो सारे फंक्शंस है और लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्पीकर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं मैं आपको। ये तो हो गया बॉक्स और इसका लुक, और इसकी और भी कुछ डिटेल्स मेंशन है वो और बता दूं मैं आपको। फिर वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसे फुल अनबॉक्सिंग करके इसका साउंड टेस्ट और फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो पहले तो हम इसकी देख लेते हैं MRP क्या है और वॉट ये सब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर आउटपुट इस पर मेंशन किया हुआ है 25 वॉट का तो इसका है सब वूफर, और 15 वॉट के सैटेलाइट स्पीकर है। 15 वॉट इंटू 4 यानी 60 वॉट प्लस 25 वॉट 85 वॉट्स है। तो वॉट के हिसाब से स्पीकर तो अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा 4.5 सेंटीमीटर इंचिस का तो इसका मेन यूनिट है सब वूफर, और 3 इंचिस का इसके सैटेलाइट स्पीकर्स है। नेट वेट है इसका 4.6 kg, ग्रॉस वेट है इसका 5.3 kg। बॉक्स की साइज मेंशन की हुई है, ये आप देख सकते हो 31.5 × 32 × 30.8 cm में। 1400 सर्विस टच पॉइंट्स है, सर्विस सेंटर्स है, कस्टमर केयर नंबर मेंशन किए हुए है, वेबसाइट है, और ब्रांड आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, यानी लगभग 4200 के आसपास इसकी MRP है। और तो चलिए मैं इसे जल्दी से अनबॉक्सिंग करके आपको साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अनबॉक्स कर लिया है, अभी मैंने पावर ऑन नहीं किया है। मैं आपको इसकी जो सैटेलाइट स्पीकर्स है उनकी कुछ क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये है फ्रंट जो है इसका फुल ग्लॉसी है, और ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन ब्लैक का बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्पीकर है, ये यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है ताकि स्पीकर को फिजिकल डैमेज ना पहुँचे। ये वुडन बॉडी है, वॉल माउंटिंग है नहीं, केबल लेंथ 2 मीटर की है, ऑलमोस्ट चारों स्पीकर में सेम केबल लेंथ है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेट भी है ठीक अच्छा है स्पीकर। इसके साथ जो एसेसरीज आई है वो एक यूज़र मैनुअल है और एक रिमोट है, जिसका रिमोट सेल साथ में नहीं आया है। ये ऑक्स केबल है, ये आपके मोबाइल कंप्यूटर टीवी में कनेक्ट हो जाएगी लैपटॉप में, और ये जो दोनों पिन है ये स्पीकर के इनपुट में कनेक्ट हो जाएगी, और ऑक्स इन मोड पे आप प्ले कर सकते हो इस केबल के थ्रू। थोड़ा सा वूफर का मैं आपको क्लोज लुक दे दूं। इस वूफर की डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है, आगे फुल ग्लॉसी लुक है, और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ये मैंने फुल कर दिया। ये ट्रेबल है और ये बास है, ये डेडिकेटेड यहाँ पे बटन दी हुई है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है EDR। उसके अलावा HDMMC कार्ड यहाँ लगेगा, ये इनपुट बटन है, ये प्रीवियस प्ले और नेक्स्ट बटन है। कंटिन्यूस प्रेस करने पे साउंड भी फुल होता है इसका, कंटिन्यूस प्रेस करने पे साउंड लो होगा, एक बार प्रेस करने पे प्रीवियस और नेक्स्ट होता है सॉन्ग, और ये प्ले पॉज है। ये USB मेमोरी पेन ड्राइव लगा सकते हो आप यहाँ पे। ये ग्लॉसी प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे LED डिस्प्ले है, ये वुडन बॉडी है फुल, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है नो डाउट। ये आउटपुट है इसका, स्पीकर इसका अंदर ही है। बैक और दिखा देता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यूज़ करने में। बाय डिफ़ॉल्ट पावर ऑफ होता है, यहाँ से ऑन करना है हमको। यहाँ जो होता है आपको RC केबल लगानी है जो उसके साथ आती है, ये वाली केबल। इनपुट में ये केबल लगेगी, ये 2 केबल यहाँ लग जाएगी इनपुट के अंदर, और ये जो केबल है ये आप मोबाइल कंप्यूटर टीवी में कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर सकते हो ऑक्स इन मोड के अंदर। आप ऑक्स इन मोड कर लेना कनेक्ट करने के बाद, और यहाँ आपके चारों स्पीकर्स लग जाएंगे। ये जो स्पीकर की पिन आती है, रेड की रेड में, वाइट की वाइट में, इस तरह से आपको ये पीछे से कनेक्ट करने हैं।
ये एफएम की केबल है, एक्सटेंशन केबल है एफएम एंटीना की। सपोज आपके घर में रेंज नहीं पकड़ रही हो एफएम की, तो आप इसको थोड़ी सी दूर करके विंडो तक ले जाओ, हो सकता है वहाँ से इसकी हेल्प से थोड़ी सी रेंज मिल जाए आपको। तो चलिए मैं इसे पावर ऑन कर लेता हूँ और साउंड टेस्ट और करवा देता हूँ आपको। तो ये मैंने पावर इनपुट कर लिया है और पावर आने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं ये स्पीकर। यहाँ पे एक लाइटिंग चल रही है, कंटिन्यूस लाइट चेंज होती रहेगी, रेड ब्लू येलो ग्रीन, और लुक बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है इसका एलईडी डिस्प्ले है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मोड है ऑक्स। एक बार प्रेस करने पे ब्लूटूथ आ जाएगा, एफएम आ और यूएसबी के लिए आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव इनपुट करना है तो ऑटोमेटिक यूएसबी मोड पे आ जाएगा। साउंड फुल है इसका, 30 पे है, यहाँ से मैंने फुल कर दिया है, बास ट्रेबल सब कुछ फुल कर दिया है। अब हम इसे ब्लूटूथ मोड पे लाएंगे और इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखना आप एंड तक। मेरे पास है एक पुराना मोबाइल जिससे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। हम देख लेते हैं कितने टाइम लगता है कनेक्ट होने में और क्या नाम शो करता है। जैज 4 नाम है इसका। कनेक्ट होने पे एक बीप का साउंड आ जाएगा, आ गया है। तो पहले तो मैं आपको ब्लूटूथ लाइब्रेरी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करके सुनाऊंगा और लास्ट में कुछ हिंदी बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग्स और प्ले कर दूंगा आपके लिए। पहले हम देख लेते हैं यूट्यूब लाइब्रेरी के कुछ सॉन्ग। साउंड टेस्ट किया था यूट्यूब लाइब्रेरी के कुछ सॉन्ग प्ले करके और साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे कुछ यूज़र्स की डिमांड पे मैं कुछ आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स और पंजाबी सॉन्ग्स को एक दो सेकंड्स के प्ले कर करके सुनाऊंगा। कॉपीराइट के वजह से मैं आपको ज़्यादा लेंथी सॉन्ग्स नहीं सुना सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ ने बांधा डोर ठीक ठाक रवे साउंड टेस्ट पूरा कर लिया है और साउंड बहुत ही गजब का है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। अगर प्राइस के हिसाब से और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से देखें तो कोई कमी नहीं है साउंड के अंदर। साउंड बहुत अच्छा है, 85 वॉट्स का टोटल साउंड है इसका। प्राइस मैंने आपको बताई थी 4199, 4200 इसकी एमआरपी है।
बट अगर आप मार्केट से बाय करने जाओ तो 3500 रुपीस से ज़्यादा मत देके आना, उससे कम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। मार्केट इसकी प्राइस है जो वो 3500 की है और 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं ये स्पीकर। पक्का बिल लेना मत भूलना, सीरियल नंबर मेंशन करवाना मत भूलना और ऑनलाइन मत बाय करना। अगर मेरी मानो तो आप प्लीज़ कोई भी कंप्यूटर शॉप पे जाइए, वहाँ पे आपको इजीली इंटेक्स के जेब्रोनिस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। उनके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है जहाँ पे फ्रिज टीवी एसी सब मिलते हैं, वहाँ भी हो सकता है मिल सकते हैं, बट ज़्यादातर आपको ये जो स्पीकर ढूंढने हो तो पहले कंप्यूटर शॉप्स पे जाना, क्योंकि वहाँ जल्दी अवेलेबिलिटी के चांसेस होते हैं। साउंड प्ले करके टेस्ट करके आप इजीली ले सकते हो। वारंटी मेंशन करवाना मत भूलना 1 साल और सीरियल नंबर ज़रूर लिखवा लेना। और 3500 रुपये से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं देनी है आपको, उससे कम मिले तो बहुत अच्छा। और स्पीकर की अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ इन होम थिएटर्स की तो 9 देता हूँ 10 में से, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है इसके अंदर अभी तक कोई भी रिलेटेड चीज़ की। तो इन स्पीकर के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ भेज दीजिए मेरे चैनल पे, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी कई कंप्यूटर आईटी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ है। स्पीकर ब्रांड्स में अगर देखो तो आप इंटेक्स, जेब्रोनिक्स, आईबॉल, ओशान और कई पोर्टेबल स्पीकर्स है, कोर्से का, JBL, इन सब की अनबॉक्सिंग वीडियोस अवेलेबल है। तो हो सकता है कभी ना कभी आपको मेरे चैनल की ज़रूरत पड़ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इन होम थिएटर्स के बारे में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।